सुनो, आप जानते हो ये सब की लड़ाई है। शत्रु परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य ये है, इस सरकार ने कोरोना की भयंकर बीमारी में आपका सहयोग दिया और इस गंभीर हालात में जहां कोई मरीज के नजदीक नहीं आना चाहता था, आप लोगों ने ऐसी गंभीर बीमारी के मरीजों को गले लगाकर इलाज किया, प्यार किया और उस कारण से राजस्थान का कोरोना का मैनेजमेंट देश में सबसे अच्छा रहा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। और दो दिनों में जिन 28,000 लोगों ने राज्य के कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा की, उनकी आज सरकार शुद्ध मिली है। आपने जोरदार आंदोलन किया, मैं आपके इस आंदोलन का कायल हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जरा भी पटरी से उतरे ना, आपने कभी उनको होकर आंदोलन करने की सोची। पूरी तरह से अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से आपने आंदोलन किया है और धैर्य भी बड़ा जबरदस्त है आप लोगों का। ऐसे में हर कोई डर जाता है, हर कोई का मनोबल टूट जाता है। आप सभी बेरोजगार हैं, राजस्थान भर के कोने कोने से आए हैं। आप कहां से इस महंगे शहर में कैसे कैसे व्यवस्था करके अपना समय निकाल रहे हैं मैं जानता हूं। और आपके इस आंदोलन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम। मैं तो मेरा आंदोलन जीवन में बहुत हो गया, लंबे भी चले, लेकिन आपके सामूहिक नेतृत्व में जो संयम का, धैर्य का, साहस का, वीरता का और कर्मठता का, निष्ठा का, लगन का परिचय दिया है वो अद्वितीय है। मैं आपने इस बात का भी ध्यान रखा जो आमतौर पर गड़बड़ हो जाता है कि आपने इसका किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं करने दिया, ये भी आपके आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है। और आपके इस सोच के कारण हर दल का नेता, हर राजस्थान के क्षेत्र का नेता, सभी समाज के, सभी वर्ग के जागरूक नेता ने आपके इस पावन यज्ञ में आहुति दी है। उसका परिणाम यह है कि आपने राजनीति को इस आंदोलन से दूर किया। तो मुख्यमंत्री जी को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरी समझ में कोई राजनीति घुस जाती या आंदोलन हिंसक हो जाता तो मुख्यमंत्री जी आपसे कई बार बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने आप को गांधीवादी कहते हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से इस मौके पर कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आप गांधीवादी नेता हैं तो करना नहीं करना तो बाद में देखा जाएगा। एक बार इन सीएचए के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। ये बड़ी पीड़ादायक है कि मुख्यमंत्री जी अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, गांधी कहलाए जाते हैं वो राजस्थान के और वो आपकी बातों सुनने इसका मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। मैं भी आपके बीच में 15 तारीख को आने वाला था लेकिन 15 की जगह मैं 16 को आया। आपको पता लग गया होगा कि
मैं कितनी मेरे पास वेटी लगी हुई है, कितनी पुलिस लगी हुई है पीछे, पल पल की निगरानी रखती है, इतनी निगरानी तो मेरी गोलमा भी नहीं रखती जितनी गहलोत सरकार है। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी निगरानी रखनी हो, जिस दिन डॉक्टर टेडिया इन जवानों के लेकर टेढ़ी उंगली करेगा उस दिन मक्खन निकलेगा ही नहीं। पापा आने वाला है, नौ तोपा अखबारों पढ़ा हुआ 25 मई से आ रहा है, फिर नौ तोपा से सुपर तोपा की लू आप झेल रहे हो, जब इसी लू लपेट में आप नहीं घबरा रहे तो नौ तोपा आपका क्या बिगाड़ेगा, आप धैर्य के साथ हिम्मत के साथ बैठे हो। मैं आपसे कहूंगा 5 या 11 जो प्रमुख लोग हैं इस आंदोलन को चला रहे हैं, चला तो आप सभी रहे, पर 5 या 11 व्यक्ति आज शाम को साझा है, आज कहीं मैं तो सुबह मेरे पर शाम को ऐसा बोले अगर रणनीति अपन बना लेते कि अब आपको आगे क्या करना, अभी वो तो डू एंड डाई का नारा किसने लगाया था, डू एंड डाई का नारा हाँ महात्मा गांधी लगाया था, जो अहिंसा का पुजारी था, जो कटे हिंसा में विश्वास नहीं करता था उसने अंत में धैर्य को भी कहा था डू एंड डाई करो, गांधी जी ने कहा था, तो गांधी जी के डू एंड डाई का रणनीति बनाते बैठ के रवि जी आप 5 या 11 आदमी आज शाम को आ जाओ 6-7 बजे, नहीं तो कल सुबह आ जाओ, तुम कुछ शादी आए तो तेरी शादी तो नहीं हो रही, टूट गई कई बच्चियां शादी करने गई तो आप आ जाओ, पर लड़ने की बना नहीं, कई चीज ऐसी होती है ये सबसे भी इसमें नहीं करी जा सकती, इनको थोड़ा आप बता दो क्योंकि जो भी अपनी बात होती है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी लिए आया, देखो आपने अखबारों में पढ़ा होगा इधर हमारे इलाके के लोगों ने पढ़ा होगा, जयपुर में एक पहाड़ नीचे उतरना, उस पहाड़ पर चढ़ना, फिर नीचे उतरना 15-20 मिनट तक, और 7 किलोमीटर उस पहाड़ को चढ़ के मैं चला गया। तो वो अगर मैं ज्यादा लोगों में बात करता तो नहीं चढ़ सकता, 1,200 पुलिस थी, अग्नि वर्षा भी थी, वाटर कैनिंग भी थी, ड्रोन भी था, सब कुछ था, लेकिन वो बात सीमित लोगों में हुई तो हमारा आंदोलन सफल हो गया। तो आप जो बहुत ही विश्वास पात्र जो अब बात को इधर उधर नहीं करे, 5-10 गए सभी क्षेत्र के, पूरे राजस्थान जिसमें हो वो लोग मेरे साथ बैठे, फिर बोले 2 घंटे बाद आ गए, तो फिर रणनीति बनाते नहीं सलाह करके राजस्थान का एक ही लोग।